वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए विभत्स हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और इस बीच चंबा हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। प्रदेश के चंबा में एक ऐसी घटना घटित हुई है कि जो रोंगटे खड़े कर देती है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विशेष रूप से कहा है, कई तरह के आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। जयराम जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, खास तौर पर जब एक हिंदू लड़के की जो है वो इस तरह से बॉडी मिलती है, कई तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं, क्या बात है? देखो, ये सारे विषय को लेकर के मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ उसमें एक तो जांच में जो गंभीरता दिखनी चाहिए वो नहीं है और इसको सिर्फ हत्या के रूप में देखना उचित नहीं होगा। हत्या तो हुई ही है, हत्या के साथ साथ में उस नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े कर देना ये सामान्य परिस्थिति नहीं है और सामान्य परिस्थिति में किया हुआ मर्डर नहीं है ये। और जो आरोपी है उसकी पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है, जो बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान में आ रही हैं कि एक साइजेबल अमाउंट उसके अकाउंट में है। जब नोटबंदी का दौर हुआ तो उस वक्त भी एक ट्रांजैक्शन जो इसने एक्सचेंज की है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था, 95 लाख के लगभग अमाउंट उसमें बता रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति मानता था ये और समुदाय के लोग भी और उसके साथ दूसरे लोग भी इसको जो है वो इसके खिलाफ बोलने से डरते थे। तो अब ऐसी परिस्थिति में उस पर जांच होनी चाहिए और हमारा ये मानना है कि 10,000 की हाइट पर रहता है, 12 महीने वहीं रहता है, 6 दुर्गम क्षेत्र है, बर्फ पड़ती है और उसके बावजूद भी वहीं रहता है, लोग उसके बाद मिलने आते हैं, कौन लोग मिलने आते हैं, कौन किस लोग किन लोगों से इसके साथ मिलना जुलना होता है, इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और हमारा इसलिए इस बात को लेकर के कहना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है जयराम जी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये सीमा से सटा हुआ इलाका है, जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो साथ में लगती है। आप ये कह रहे हैं कि पहले भी संलिप्तता जो है इस व्यक्ति की कई जगह पे है, जांच में इसको शामिल किया गया है, क्या आपको लगता है इससे पहले कभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहां पर नेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं उनकी भी नजर रहती है और स्टेट की भी रहती है, तो आपको लगता है कोई लैप्स इसमें जो है वो एजेंसीज का यहां पर आया कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र? देखो, मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि इस सारे विषय को लेकर के पहले गंभीरता से जांच हुई नहीं। जब पहले शत्रुंडी कांड की अगर हम बात करते उस वक्त तो जांच हुई लेकिन उसके बाद चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उसके परिणाम स्वरूप जो है हिम्मत हौसले कुछ लोगों के बढ़ते गए और ऐसा जो अभी ये घटना सामने आई है ऐसा प्रतीत होता कि ये व्यक्ति जो है वो इसके हौसले और हिम्मत इस कदर बढ़ गई, संरक्षण है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से इसको संरक्षण है। इसका संरक्षण देख, हम इस बात को लेकर के नहीं कह रहे हैं, जांच का विषय है लेकिन संरक्षण प्रभावशाली लोगों का ही होता है और ऐसे में जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्यवाही सख्त होनी चाहिए। तो हिंदू के साथ जोड़ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वर्सेज ये बनाया जा रहा है पूरा ये मसला, कैसे हम इसको देखें और वायलेंस भी हो सकता है, कुछ अपील आप इस पर? देखिए, मैंने बड़ा साफ कहा है कि हिंदू मुस्लिम का विषय इसलिए बना क्योंकि घटना इस प्रकार की घटित हुई है और उसमें एक चीज ये भी सामने आई है कि कुछ लोग अभी भी चोरी छुपे उसको मदद कर रहे हैं और चोरी छुपे मदद कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आज की तारीख में तो वो दोषी है, जो दोषी है उसके खिलाफ उसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, उसी तरह से उसके खिलाफ जो है वो समाज में बर्ताव और उसके साथ साथ में कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच की गंभीरता हमको उसमें उस कदर की नहीं दिखी जिसके कारण हमें यह लग रहा है कि इस सारे मामले को रफा दफा करने की तैयारियां चल रही है। सरकार की तरफ से जांच नहीं की? जांच की जा रही है लेकिन जिस तरह से गंभीरता से जांच होनी चाहिए अभी तक वो नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से? मुख्यमंत्री जी के बारे में हमने स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपने आप एक बार नहीं अनेक बार कहा कि मैं 99% जहां जिस प्रदेश में हिंदू हैं उस प्रदेश में मैं जीत करके आया हूं। उसका अभिप्राय क्या है वो अभी तक नहीं समझा पाए हैं इस बात को, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या हिंदुओं को हरा करके आए हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं आखिरकार उनको स्पष्ट करना है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, खास तौर पर कई तरह की बातें कह रहे हैं और ये कह रहे हैं खास तौर पर इस मसले को लेकर, क्योंकि आरोपी जो है कई पहले भी आरोपी जो है कई मसलों में रह चुका है और लिहाजा जांच का विषय ये होना चाहिए। अब NIA इस पूरे मसले की जांच करे कि आखिरकार ये कैसा प्रभाव जो है इस आरोपी का यहाँ पर है कि जो सत्ता पक्ष के कुछ विधायक या सत्ता पक्ष के कुछ लोग जो हैं, कुछ नेता जो हैं, वो इसकी मदद जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता TV, शिमला।